खेल संग्राम में आपका स्वागत है। पहले T20 मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 37 रन से हराकर 3 T20 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए थे। कोहली ने 55 गेंदों पर नॉट आउट 90 रनों की धुआंधार पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 19.3 ओवरों में 151 रन पर ऑल आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने धवन के साथ मिलकर जबरदस्त शुरुआत दिलाई, मगर वॉटसन ने अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर उन्हें फॉकनर के हाथों कैच आउट कराया। रोहित ने 20 गेंदों में 31 रन बनाए। वॉटसन ने उसी ओवर की 5वीं गेंद पर धवन को भी महज 5 रन पर आउट कर चलता किया। इसके बाद सुरेश रैना ने विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 134 रनों की साझेदारी की। रैना को अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर फॉकनर ने बोल्ड किया। रैना ने 34 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेली। विराट 90 रन पर नाबाद रहे, जबकि धोनी 3 गेंदों पर 11 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वॉटसन ने 2 विकेट जबकि फॉकनर ने 1 विकेट हासिल किया। जीत के लिए 189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत शानदार रही, मगर ओपनर वार्नर का बल्ला कुछ खास नहीं चला। बुमराह ने उन्हें 17 पर कोहली के हाथों कैच आउट करवाया। तबा तोड़ बल्लेबाजी कर रहे स्मिथ को जडेजा ने कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया। स्मिथ ने 21 रन बनाए। कंगारू टीम को तीसरा झटका फिंच के तौर पर लगा। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे फिंच को अश्विन ने LBW आउट कर दिया। फिंच ने 33 गेंदों में 44 रन बनाए। ट्रेविस हेड को जडेजा ने 2 रन पर LBW आउट कर चलता किया। वॉटसन ने आते ही भारतीय गेंदबाजों की क्लास लेनी शुरू कर दी, मगर 12 पर उनकी पारी का अंत अश्विन ने कर दिया। वॉटसन का कैच नेहरा ने पकड़ा। क्रिस लीन को हार्दिक पांड्या ने 17 रन पर कैच आउट करवाया। ये हार्दिक का पहला अंतर्राष्ट्रीय विकेट था। फॉकनर ने बुमराह को 10 रन पर क्लीन बोल कर दिया। भारत की तरफ से बुमराह ने सबसे ज्यादा 3, जबकि अश्विन, जडेजा और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट चटकाए। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।